स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका शर्मा. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्लास 8 मैथ्स. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 तक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास. सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड x सच दैट -1/3 इज इक्वल टू 7/x. मींस दैट यहां क्या फाइंड करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करना है. इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है. सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो माइनस वन का एक्स का माइनस वन से एक्स इंटू माइनस वन एंड देन इज इक्वल टू देन 3 × 7. यहां क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, 7 × 3 = 21 एंड देन इस माइनस को उधर ले गए तो ये क्या हो गया, -21. मींस राइट हैंड साइड से कहां लेके गए, लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये क्या हो गया, -21 आंसर. एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आप करोगे. सेम क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ. एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोएस्ट टर्म्स. अब ये क्वेश्चन है, ओके, 4/8. अब इसको क्या करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसे क्या करेंगे, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8. इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे. मींस 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8. सो द आंसर इज 1/2. ओके, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 10. मींस 10/30, 11/55, 13/65, 24/96, 15/10 एंड 32/6. सो द नेक्स्ट वन इज 15/10. अब आपको यहां ये ध्यान रखना है, ये दोनों मल्टीपल किसके हैं, 5 के हैं. तो ये दोनों मल्टीपल किसे कट होंगे, 5 से. तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में. 5 × 2 = 10 एंड देन 15, 5 × 3 = 15, देन 3/2 इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. सेम एज इट इज आपको जो मैंने भी बताए हैं वो आपको करने हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड. एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, राइट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स -3/4. मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बता दी थी, आपने होमवर्क में भी मुझे सेंड किया है. एंड देन -3/4, मॉड ऑफ -3/4 इज इक्वल टू 3/4. मींस अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की फाइंड करनी है तो वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है. ओके, अगर नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा. देन क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x. मींस दैट इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं और हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है. मींस मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ x. मींस दैट ये x की वैल्यू है, इसमें पुट करना है, देन इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. अब वो कैसे होगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ. लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले अपन ने लिया, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मॉड ऑफ -x. अब आपको ये ध्यान रखना है, मॉड पहले से लगा हुआ है तो मॉड लगा दो सबसे पहले, एंड देन माइनस पहले से लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा दो और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है. अब एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/3 है, तो यहाँ क्या आएगा, -1/3 और ये ब्रैकेट में होगा. ब्रैकेट में क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टू साइंस है उसको एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसको डिफर करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं. देन मॉड, ओके, अब माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस 1/3, ब्रैकेट का मींस होता है इनटू, और माइनस का इनटू क्या होता है प्लस, प्लस 1/3, देन लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 1/3, मॉड ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1/3, अभी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू आपको क्वेश्चन नंबर 11 में करके बताया था, एंड देन आप क्या लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है मॉड ऑफ एक्स है, अब मॉड सबसे पहले लगा है तो लगा दिया, एंड देन एक्स की जगह क्या पुट करना है माइनस 1/3, माइनस 1/3, सो द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए, देन हेंस प्रूफ। एंड देन इन क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड वन इज 3/-7, देन सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो सबसे पहले क्या किया मॉड, एंड देन माइनस लगा हुआ है तो माइनस, एंड देन एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3/-7, ओके, एंड देन यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, एक साथ नहीं लगा सकते तो किसका यूज किया ब्रैकेट का यूज किया, एंड देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/7, ओके, ब्रैकेट का मींस इनटू, एंड देन माइनस एंड माइनस का इनटू क्या हो गया प्लस 3/7, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/7, मॉड ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 3/7, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, एंड देन वी विल फाइंड राइट हैंड साइड, मॉड लगा है तो मॉड लगा दिया, एक्स की जगह क्या रखना है 3/-7, ओके, देन द वैल्यू ऑफ 3/-7, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7 इज इक्वल टू 3/7, सो द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड देन क्वेश्चन नंबर 12 थर्ड एंड फोर्थ आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, द थर्ड वन इज 2/5 एंड द फोर्थ वन इज 12/13, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, वेरीफाई दैट मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई बाय टेकिंग x is equal to -2 and y is equal to -1/3, means that ये जो equation दी हुई है इसको क्या प्रूव करना है कि ये equal है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है -1/2 और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है -1/3 फर्स्ट क्वेश्चन में, ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, एंड देन फर्स्टली वी टेक लेफ्ट हैंड साइड मीन्स मॉड ऑफ x इंटू वाई, मॉड ऑफ x इंटू वाई, एंड देन मॉड लगा हुआ है तो क्या किया मॉड लगा दिया, एंड देन x की वैल्यू कितनी है -1/2, यहां क्या रखा x की जगह पे -1/2, इंटू लगा हुआ है तो यहां क्या लगाया इंटू, एंड देन y की जगह पे कितना पुट करना है -1/3, तो यहां -1/3,
थ्री। अब यहाँ ब्रैकेट का यूज होगा, क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि टू साइन से मीन्स इंटू और माइनस एक साथ नहीं लगाए जा सकते, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट यूज होगा। एंड देन मॉड ऑफ, अब वन इंटू वन का मल्टीप्लाई कितना होगा, वन, एंड टू इंटू थ्री का सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, वन वन जा वन, एंड देन माइनस एंड माइनस का इंटू क्या होगा, प्लस। ओके, सबसे पहले क्या किया, नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किया, मींस न्यूमिनेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग, एंड देन किसका मल्टीप्लीकेशन किया, साइन का, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस प्लस वन बाय सिक्स इज इक्वल टू वन बाय सिक्स, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड, मींस मॉड ऑफ एक्स, यहाँ मॉड लगा हुआ है तो मॉड लगा देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाय टू, यहां माइनस वन बाय टू पुट करें, एंड देन इन टू, यहां भी मॉड लगा हुआ है तो लगा दिया, एंड देन वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाय थ्री, तो यहां माइनस वन अपॉन थ्री, ये पुट कर दिया, एंड देन इसका इंटू करना होगा, इंटू, लेकिन पहले ये जो टू नंबर्स दिए हुए हैं इसका पहले क्या लेना है, मॉड लेना है, मींस एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी पहले निकालनी है। अब मॉड ऑफ माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू कितना होता है, वन बाय टू, इन टू लगा हुआ है तो यहां क्या पुट किया, इन टू, मॉड ऑफ माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय थ्री, अब वन इंटू वन वन, एंड टू इंटू थ्री सिक्स। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, देन हेंस प्रूफ। ओके, यहां पे आप क्या लिखेंगे नीचे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू टू बाय थ्री एंड वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय टू, सो द इक्वेशन इज मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। सबसे पहले क्या किया, सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड लिया, मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई, एंड देन मॉड लगाया, एंड देन एक्स की वैल्यू कितनी है, टू बाय थ्री, टू बाय थ्री पुट किया, एंड देन वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस सेवन बाय टू, इन ब्रैकेट माइनस सेवन बाय टू, एंड देन मॉड ऑफ सेवन टू जा 14, एंड देन थ्री टू जा 6, एंड देन यहां माइनस लगा हुआ है तो यहां क्या आएगा, माइनस, मॉड ऑफ माइनस 14 बाय 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 बाय 6। ओके, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 14 बाय 6, मींस मॉड का मींस ही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड से क्या फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड देन दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, सो मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है, टू बाय थ्री, तो यहां पुट किया, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस सेवन बाय टू, यहां क्या पुट किया, माइनस सेवन बाय टू, एंड देन फर्स्ट वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई द नंबर्स, टू बाय थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई, टू बाय थ्री, इन टू है तो इन टू पुट कर दिया, एंड देन माइनस सेवन बाय टू की एब्सोल्यूट वैल्यू, सेवन बाय टू, एंड देन सेवन टू जा 14, एंड देन थ्री टू जा 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड. ओके सो दिस इज हेंस प्रूव्ड. ओके दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड. एंड देन 13 क्वेश्चन नंबर 13 थर्ड एंड फोर्थ मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं तो वो आप करोगे. एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 द क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज फर्स्ट इज 1/2 मींस. अब इसमें क्या करना है, अभी तक मैं किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकाल के दिखा रही थी, लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें नंबर्स दे दिया है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और अपन को क्या करना है, नंबर फाइंड करना है. सो आंसर इज, आंसर में क्या लिखोगे, द नंबर्स आर, ये किसकी हो सकती है, या तो -1/2 की होगी एंड या फिर 1/2 की होगी. ओके सो मींस अगर कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दी हुई है तो उसमें माइनस भी आपको लेना है एंड देन प्लस भी लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर्स हो जाएंगे. यही क्या है आपका आंसर है, सेम एज इट इज. आपको किसमें कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड थर्ड में क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या दी हुई है, 0. तो मींस थर्ड में क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा. ओके -0 एंड +0 मत लिखना, वो नहीं लिखा जाता है क्योंकि 0 इंटीजर है बट पॉजिटिव और नेगेटिव में उसको काउंट नहीं करते हैं. एंड देन फोर्थ वन इज 3/8 सेम एज इट इज आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14. एंड देन क्वेश्चन नंबर 15 कैन -2 बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रैशनल नंबर. क्या आप बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कैन -2 बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर. अब -2 बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या है कि -2 क्या हो सकता है किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू. तो मैंने आपको बताया था कि माइनस में कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है. अगर कोई भी, जैसे कि मैंने ले लिया, माइनस में कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है तो मींस इसका आंसर क्या आएगा, नो -2 कैन नॉट बी द एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर. ओके एंड देन सो द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड एंड ऑल्सो टूडेज क्लास इज ऑल्सो कंप्लीटेड. सो थैंक यू.